दोस्तों कहते हैं प्रतिभा उम्र की कभी मोहताज नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून और जज्बा है तो फिर आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। और इस बात को सच साबित करके दिखाया है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने, जिसने महज 18 साल की उम्र में ही भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी की नींव रख दी थी। हालांकि अगर आज देखा जाए तो ओयो रूम्स को सफलता करते हुए कई वर्ष हो चुके हैं, साथ ही रितेश अग्रवाल की भी उम्र 26 के आसपास हो चुकी है, लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक रितेश ने जिस जज्बे और जुनून से काम किया उसी का नतीजा है भारत के साथ साथ चाइना, मलेशिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जापान जैसे देशों में भी उनकी कंपनी छाई हुई है। और इन देशों के पास 500 शहरों के अंदर 4,50,000 से भी ज़्यादा ओयो रूम्स के उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट के द्वारा शुरू की गई यह कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि इस कंपनी का कंपटीशन देने का कोई आसपास भी नज़र नहीं आता है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 16 नवंबर 1993 से, जब उड़ीसा के एक छोटे से गांव कटक बिसाम में रितेश अग्रवाल का जन्म हुआ और फिर 12वीं तक की पढ़ाई के बाद IIT के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वह कोटा आ गए। और यहां पर आने के बाद पढ़ाई के अलावा वह दोस्तों के साथ अलग अलग जगह घूमना भी पसंद करते थे। साथ ही कोटा में रहते हुए भी उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज। दोस्तों 16 वर्ष की उम्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एशियन साइंस कैंप में उनका सिलेक्शन हुआ था। यह एक ऐसा स्टेज था जहां पर पूरे एशिया के स्टूडेंट किसी स्पेशल प्रॉब्लम पर बातें करके साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद करते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में भी पढ़ने का शौक था और साथ ही मुंबई और दिल्ली में आयोजित सम्मेलनों में भी हिस्सा लेते थे। और यही वजह थी कि रितेश को अपने बजट के अंदर ही होटल खोज के रहना पड़ता था। दोस्तों ऐसे ही बचत करते करते रितेश के दिमाग में बिजनेस का भी आइडिया आ गया और इसी दौरान वह Airbnb नाम की एक कंपनी के मॉडल से भी काफ़ी प्रभावित हुए। दरअसल Airbnb ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी थी और फिर पूरी प्लानिंग के साथ 2012 में अपने पैलेस ओरावेल स्टेज की शुरुआत की। और इस कंपनी का उद्देश्य था कम दाम पर कमरे उपलब्ध करवाना जिसे ऑनलाइन बुकिंग किया जा सके। और दोस्तों रितेश ने कंपनी शुरू करने से पहले नॉलेज हासिल कर लिया था तो इन्हें सब कुछ पता था किस तरह से फाउंडेशन लेनी है और कैसे आगे बढ़ना है। और यही वजह थी कि बहुत ही जल्द वेंचर नर्सरी से 30 लाख की फंडिंग मिल गई थी और बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे मिल चुके थे। लेकिन दोस्तों ओरवेल स्टेज एक ऐसा स्टार्टअप था जिसमें कस्टमर के लिए कम पैसे में रूम्स अरेंज कर दिया जाता था, लेकिन प्रॉब्लम यह आती थी कि उनके सुख सुविधाओं फैसिलिटीज पर ध्यान नहीं दे पाया जा रहा था और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे लोकप्रियता कम होने लगी। और आगे चलकर रितेश ने अच्छे से रिसर्च किया और एक नई कंपनी यहाँ पे लॉन्च की, ओयो नाम की नई ब्रांड कंपनी लॉन्च की। और इस बार कम दामों के साथ साथ यात्रियों की सुख सुविधाओं पर भी पूरा ध्यान दिया गया था। और दोस्तों इन्हीं सब इम्प्लॉयमेंट के बाद से रितेश अग्रवाल की कंपनी
जल्द ही देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी बन गई। दोस्तों, यहां से ओयो रूम्स ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और भारत के साथ साथ अलग अलग देशों में भी कई शहरों में छाया हुआ है। दोस्तों, अंत में देखा जाए तो भारत के उन युवाओं के लिए इंस्पायरेशन है जो अपने लाइफ में मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी हमारे भारत के नौजवानों को, नई पीढ़ी के नए युवाओं को जो ये बिजनेस या कुछ करना चाहते हैं, अपने संघर्ष और मेहनत के साथ साथ अपने लाइफ चेंज करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। उम्मीद करता हूं इंस्पायरेशन उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा।